गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शराब दुकान को लेकर कहा कि कमलनाथ सरकार में शराब को ऑनलाइन घर पहुंचाने और महिलाओं को घर पर कैसे शराब मिले इसकी व्यवस्था की जा रही थी। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह और प्रमोद आचार्य को लेकर कहा कि इनको जनता अब जान चुकी है, जनता जानती है ये किसके लिए कार्य करते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जनता प्रमोद आचार्य और दिग्विजय सिंह को समझ चुकी है, जनता जानती है ये काम क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। राम मंदिर निर्माण में इनका चेक देने का इरादा ही कुछ और है। ये सहयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि कल कह सकें कि हमने पैसा दिया था उसका क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन आज तक क्यों नहीं मनाया। ममता को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन चुनाव के कारण मनाना पड़ रहा है। भाजपा ने हमेशा से सभी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल लोगों का जन्मदिन मनाया है। कांग्रेस की एकजुटता को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अपने स्वार्थ के लिए एकजुट हो जाते हैं लेकिन जैसे ही सत्ता मिलती है वे इधर उधर भागने लगते हैं। ये एक रथ के ऐसे घोड़े हैं जो इधर उधर भाग कर रथ को तबाह कर देते हैं। कांग्रेस केंद्र से लेकर राज्य तक कहीं भी नहीं है। वो कहते ही इसलिए हैं। दिग्विजय सिंह और आचार प्रमोद में ज्यादा अंतर नहीं है वैचारिक रूप से। ये चंदा देने की बात इसलिए कर रहे हैं कि कल को फिर हिसाब मांगे। भाई जोर जोर से कहें मैंने 1,00,000 रुपए दिए थे हिसाब दो, और कुछ नहीं है। ये सोचे समझिए इनकी रणनीति है किसी भी तरह से हमारी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करना, हमारी आस्थाओं पर प्रहार कैसे कर पाए उसके लिए कोई प्रमाण देखते हैं, ये ढूंढते हैं और उसको फिर आगे करके अपनी बात को बोलते हैं। ज्यादा बड़ी मानसिकता नहीं है और देश इन आचार्य जी को और दिग्विजय सिंह को दोनों को खूब समझता है बहुत अच्छी तरह से कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं और क्यों काम कर रहे हैं। इस गलत फहमी में नहीं रहे। अभी आए थे उपचुनाव में बड़े बड़े हाथ फेंके थे आचार्य जी ने, ऐसी दुर्गति हुई है 60-60 हजार से आ रहे हैं। ऐसा कोई साल नहीं है जब हमने सुभाष जी की जयंती नहीं मनाई। ममता जी अब क्यों मना रही है ये बताएं, 10 साल से सरकार में 9 साल क्यों नहीं मनाई थी, ये जवाब देना वो कि उन्होंने 9 साल क्यों नहीं मनाई। मैंने कहा कि हमें लाल बाल पाल तिलक गांधी गोखले सबकी मनाते हैं, ममता बनर्जी मना रही है चुनाव की दृष्टि से और भारतीय जनता पार्टी तो सदैव से ही बोस सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाती रही। लाल बाल पाल तिलक गांधी गोखले हम सबकी जयंती मनाते हैं, बाकी सब लोग सुविधा से मनाते हैं। हम लोग राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवादी लोग हैं इसलिए सदैव मनाते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।